नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रोशन मिश्रा में। और मैं हूं रोशन मिश्रा। एबीबीएस क्लर्क से रिलेटेड लगातार हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चंस के सेट को देख रहे हैं। उसी कड़ी में आज आपका ये 9वां क्लास है जिसमें हम देखने वाले हैं एक डीआई का सेट। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आप देखिए कि दिया हुआ है, इसका कुछ डायरेक्शन भी दिया हुआ था, बट डायरेक्शन में कुछ खास ऐसा नहीं था कि जो मुझे लिखना पड़े। कोचिंग इंस्टीट्यूट है 1 2 3 4, ए बी सी डी, चार कोचिंग इंस्टीट्यूट है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव इनरोल फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो आपको दिया हुआ 80, ए से ए के लिए 80, बी के लिए 100, 200 सी के लिए और 250 डी के लिए, ये चार कोचिंग है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में अलग अलग स्कूल से स्टूडेंट्स आते हैं जिसका परसेंटेज दिया हुआ, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव इनरोल फॉर द गिवन कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम डिफरेंट स्कूल, पांच चार स्कूल भी दिया हुआ, पी क्यू आर एस। ऐसा दिया हुआ है कि 25% अगर पी स्कूल से जाते हैं ए में और 20% क्यू स्कूल से जाते हैं ए में, 15% आर स्कूल से जाते ए में, 40% ए में जाते हैं। तो ये जो 80 टोटल बन रहा है तो ये 100% हो रहा है पी क्यू आर एस से। ए कोचिंग कहाँ से आ रहा है, पी से आ रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि 80 में 25% पी स्कूल से और 80 में 20% क्यू स्कूल से, 80 में 15% आर स्कूल से, 80 में 40% एस स्कूल से। इसी तरह से बी कोचिंग में 100 स्टूडेंट है तो उस 100 में से 24% पी से, उसी 100 में 33% क्यू से, 21% आर से, 22% एस से। तो इस तरह से आपको सी का और डी का भी दिया हुआ, ठीक है। और डेटा भी आप देख रहे हैं कि कुछ खास ऐसा नहीं है कि हम डेटा निकालने में हमको ज़्यादा टाइम लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ए एंड सी टुगेदर, ए और सी के लिए। आप देखेंगे गौर से, ए एंड सी के लिए व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ए एंड सी टुगेदर फ्रॉम स्कूल पी, पी स्कूल से ए और सी के लिए, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड फॉर द सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट, यानी ए और सी के लिए ही, टुगेदर फ्रॉम स्कूल क्यू, क्यू स्कूल से। अब आप यहां पर देखिए, अगर ए इंस्टीट्यूट में पी से 25% आया है तो क्यू में 20% गया है, तो हम एक साथ ही लिख सकते हैं 25% 80 का अगर निकालते हैं तो ये हो जाता है 20। आपको पता है 25% का मतलब 1/4 होता है, और 20% अगर निकालते हैं 80 का तो ये हो जाता है 16, ठीक। ये दोनों में पहले हमने निकाल लिया। अभी सी में आ जाते हैं, सी में देखेंगे 32% 200 का तो ये हो जाएगा 64, और 20% अगर 200 का देखें तो ये हो जाएगा 40। अब आप इस दोनों को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 84, और 84 के बाद ये बन जाएगा 56। दिखने से ही लग रहा है ये 28 दूनी 56 हो जा रहा है, और 28 3 84 होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 3:2, यानी आंसर डी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था ये क्वेश्चन। अगर आप समझ चुके हैं तो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये क्वेश्चन, बट अगर नहीं समझे तब तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं। आपको आपके समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जिससे मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो समझ में तो आ रहा है, चलिए बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड फ्रॉम स्कूल पी एंड आर टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फ्रॉम स्कूल क्यू एंड एस टुगेदर। ओके, तो देखिए ध्यान से, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बी के लिए ठीक है, फ्रॉम स्कूल पी एंड आर सेम बी के लिए ही, इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल फ्रॉम स्कूल क्यू एंड एस टुगेदर सेम स्कूल के लिए। तो सेम स्कूल के लिए ये 100 है, और 100 का परसेंटेज भी अगर निकालोगे तो भी परसेंटेज तो पता चल ही जाएगा। अगर नहीं भी निकालते, अगर मान के चलिए यहाँ पे 5000 रहता तो फिर निकालने का कोई जरूरत नहीं था, 100 का भी निकालने का उसी तरह से जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस सेम है दोनों के लिए ही। बेस क्या है, सेम है। तो आप देखेंगे P से और R से, तो P और R मिलके टोटल हो जाएगा आपका कितना, 45। ओके,
तो जैसे ही 45% सेम स्कूल से बेस सेम है तो रेस्ट कितना बचेगा, 100% में से हम 45% को माइनस करें 55%, ओके, तो 55% ऑफ 100। हालांकि ये तो 100 है तो 45% हम निकाल पाते हैं और 55% भी हम निकाल पाते हैं, बट अगर यहाँ पे कोई दूसरा संख्या भी रहता तो निकालने का जरूरत नहीं था, यहाँ भी निकालने का आपको जरूरत नहीं है क्योंकि बेस क्या है, दोनों के लिए ही बेस क्या है, सेम है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे x रहता तो हम बोलते हैं 45% ऑफ x एंड 55% ऑफ x, तो आप देखेंगे कि ये x x तो कट ही जाएगा, यानी बेस जब सेम रहेगा तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पर 100 है, अब ये 45 का मतलब होगा 9 और 55 का मतलब होगा 11, बोल रहा है कितना परसेंट लेस है, तो आप देखेंगे 11 से 9 लेस है 2, कितना में, 11 में। आपको पता होना चाहिए 1/11 का जो परसेंटेज होता है वो होता है 9 and 1/11%, परसेंटेज टू फ्रैक्शनल कन्वर्जन, ओके। तो 2/11 क्या हो जाएगा, 9 and 1/11% इंटू 2, यानी हम कह सकते हैं 18 पूर्णांक 2/11% आंसर होगा आपका, ठीक है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड इन कोचिंग इंस्टीट्यूट ए सी डी फ्रॉम स्कूल आर, आर से, तो चूंकि बेस सबका अलग अलग हो जाएगा, 15% 80 का प्लस 17% 200 का और 20% 250 का। तो इतना बड़ा डेटा नहीं है कि हम इसको लिख करके तभी समझ सकते हैं, तभी ही बनेगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए एक बार वर्बली समझने का कोशिश करेंगे, 15% 80 का अगर निकालते हैं तो 80 का 10% 8 होता है और 5% 4 होगा, 80 का 10% 8 होगा एंड 5% 4 होगा, तो आप क्या देख पा रहे, 12 है, तो आप 12 लिख दें। और आपको मैंने बताया है पिछले क्लास में भी, जब भी एवरेज निकालना हो तो पहले ऐड करके फिर एन से डिवाइड करते हैं, उसको हमने थोड़ा पलट दिया था, पहले हम एन से डिवाइड करेंगे फिर ऐड कर देंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो आप देखो 15% 80 का ये 12 हुआ और हमें 3 से डिवाइड करना है, तो ये इसका डायरेक्ट ही हम 4 लिख सकते थे। अभी 17% 200 का हो जाता है 17 × 2=34, और 34 को हम 3 से डिवाइड नहीं करते, 33 को तो कर सकते हैं ना, 11 बचा क्या, 1। अभी क्या बचा हुआ आपका, देख लो 20% 250 का यानी 50, 20% 250 का 50, और एक जो मेरा बचा हुआ था 50+1 51, और 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 17। अभी इस सारे को ऐड कर दो, देख लो क्या हो जाएगा, 17 + 15 मिलके हो जाएगा आपका 32। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। आपको करना क्या था, लिखना नहीं है, 15% 80 का प्लस 17% 200 का प्लस 20% 250 का। अभी इसको क्या करना था, 3 से डिवाइड करना था, तो हम ऐसा भी कर सकते थे, देखो ये प्लस का साइन है तो हम अलग अलग करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जैसे देखो 15% 80 का बटे 3 प्लस 17% 200 का बटे 3, क्योंकि बेस सबका क्या है, देख लो सबके नीचे में डिनोमिनेटर सेम ही आ जाएगा, तो सबको हम अलग अलग करके भी लिख सकते थे। तो जब हम अलग अलग लिख सकते हैं तो सोच भी तो सकते हैं ना। अब देख लो 15% 80 का, या तो तुम ऐसा कर दो 3 से डिवाइड करो, 3 × 5 = 15, 5% 80 का तो 5% 80 का 4, ठीक। 17% 200 का ये 34 हो गया, 20% 50 का ये 50 हो गया, ऐड कर दो 84 हुआ, और 84 में 3 से डिवाइड करते सभी को पता 28 × 84, और ये हो जाएगा इसका आंसर 32। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ओके। चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ए फ्रॉम स्कूल पी एंड एस टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट सी फ्रॉम सेम स्कूल। ए के लिए पी और एस से और सी के लिए पी और एस से जो एनरोल हुए हैं स्टूडेंट्स उसका डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे ए के लिए पी और एस से, तो पी से 25%, एस से 40%, तो हम बोल सकते 65%, 40+25 यानी 65% ऑफ 80, ओके।
देन सी में आ जाते पहले 32 और 31, 32 एंड 31, तो ये हो जाएगा 63% एंड 63% ऑफ 200, ओके। तो ऐसा डेटा नहीं है कि हम इसे निकाल नहीं सकते, 65% 80 का निकालना है, 80% 65 का निकालना है। देखो लिख के मैं बताता हूं, 65% ऑफ 80, क्या हम इसे 80% ऑफ 65 लिख सकते हैं, 100% 65 का खुद 65 एंड 20%, जब 10% 6.5 तो 13 हो जाएगा, यानी 65 में से 13 माइनस करेंगे तो 52 हो जाएगा, ठीक। या दूसरा तरीका, आप इसमें डबल करें 130% ऑफ 40, अभी भी देख लो इसे हमने डबल किया और इसे हमने हाफ किया, तो 130% ऑफ 40 यानी जीरो से ये दोनों परसेंटेज से दोनों जीरो कट गया, अभी 13 चौका 52 हो गया 52, समझ पा रहे बात, तो ये हो जाएगा आपका 52 एंड लास्ट ये 63% 200 का, तो 126। अभी इस दोनों का जैसे ही हम डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 74 यानी 74, और इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, समझ पा रहे बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट डी 42% ऑफ स्टूडेंट्स आर फीमेल, डी से टोटल जितने भी हैं और उसमें 42% फीमेल है, टोटल फीमेल कितना है 42%, तो रेस्ट जो भी बचेगा वो क्या होगा, मेल होगा, यानी 58%। अभी और भी हम लोग देख लेते हैं, अगर मेल निकालने की जरूरत होगा तुम निकालेंगे, फीमेल्स आर फ्रॉम स्कूल क्यू, ठीक है, 20% ऑफ टोटल फीमेल आर फ्रॉम स्कूल क्यू, ये जो टोटल फीमेल है उसमें से 20%, यानी हम बोल सकते 8.4%, समझ पा रहे बात को, 42% का 20%, 42% का 10% 4.2 एंड 20% 8.4%, ये किधर से है, क्यू से है, फीमेल, तो पूछ रहा है क्यू, हु हैव इनरोल्ड फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट डी, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्यू हु हैव इनरोल्ड फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट डी, तो कहने का क्या मतलब है कि डी से टोटल कितने हैं, पहले क्यू से टोटल कितने हैं डी में, क्यू से 10% 250 का, तो क्यू में आप देखेंगे मेल प्लस फीमेल वो 10% 250 का है, जो हो जाता है 25, 10% ऑफ 250 क्या हो जाएगा 25, और उसमें से फीमेल कितने हैं 8.4% ओवरऑल का, वो किधर है क्यू में, तो आप 8.4% 200 250 का निकाल ले, आप ऐसा करें इसे चार गुना कर दें, या आप ऐसा करें ये देखिए 25% ऐसा निकाल ले, 25% ऑफ 84, हमने क्या किया 10 से डिवाइड किया यहाँ पे और 10 से मल्टीप्लाई किया 84, 25% 84 का तो यानी 1/4 हो गया, और 1/4 का मतलब होता है 21, यानी 84 का 1/4 हो जाएगा 21, और 25 टोटल है और उसमें फीमेल है 21, तो मेल बताइए कि कितना होगा 4, क्या आप समझ पा रहे हैं, तो ये जो सेट था वो हम चाहते, अगर अच्छा हमारा तैयारी है तो हम चाहते तो इस सेट को 2 से 3 मिनट में हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है, 2 से 3 मिनट काफी है इस सेट को बनाने के लिए। चलिए तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक थोड़ा दबा के कीजिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन होगा, आप लोग समझते नहीं है ना, समझा कीजिए भाई, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।